दुर्गा मैया के। रात के लाइट के लिए जनरेटर आए हैं अभी। हाय गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी हो रहा है सुबह का 5 और हम लोग जाने वाले हैं गंगा जी नहाने, क्योंकि आज से नवरात्रि स्टार्ट है और नवरात्रि के दिन हम लोग गंगा जी जाते हैं स्नान करने के लिए, वहां से जल लेकर आते हैं। तो अभी गांव के लोग सब लोग चले गए हैं, सिर्फ मैं और मेरा दोस्त अंकित छूट चुका है, थोड़ा लेट हो गया सोने में, इसलिए हम लोग लेट से उठे हैं। तो अभी जाने वाले हैं हम लोग गंगा जी करने के लिए। मेरे घर से करीब 2 किलोमीटर की दूरी पे गंगा जी है, तो वहीं पे अभी हम लोग जाने वाले हैं स्नान करने के लिए और वहाँ पे गंगा जी जाकर स्नान करेंगे और वहाँ से जल लेकर आएंगे मंदिर के लिए, कलश स्थापना के लिए। और आप लोग सोच रहे होंगे कि ये मैंने सर पे टोपी क्यों पहना है, तो मैं बता दूं कि मेरा मुंडन हो चुका है, सर पे एक भी बाल नहीं है, इसीलिए मैंने टोपी पहना है। तो चलिए चलते हैं। अभी हम लोग पहुंच चुके हैं अपने दुर्गा मंदिर के पास है ये मंदिर, तब लोग यहाँ से चल चुके हैं। निकल कर हम लोग गंगा जी के रास्ते की ओर चल पड़े हैं। इधर का रास्ता बहुत ही ख़राब है, आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही दिक्कत हो रहा है जाने में। कुछ लोग आ गए, देखिए आप लोग, कुछ लोग आ चुके हैं। ये पूरा एरिया आप देख सकते हो खाली, बरसात के दिन में ये पूरा पानी से भरा हुआ होता है पूरा एरिया। अभी पानी सूख चुका है, पीछे चला गया है पानी। कुछ ही देर में हम लोग पहुँचने वाले हैं गंगा जी के पास, गंगा जी के समीप आ चुके हैं हम लोग। देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा नदी के किनारे अभी कुछ ही देर में, और पहुंच चुके हैं हम लोग गंगा नदी के पास। ये रहा गंगा नदी, मेरे गांव के लोग यहां पे हैं। तो गाइस फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा नदी के पास, आप लोग देख सकते हो। हम लोग थोड़ा लेट से पहुंचे, मेरे गांव वाले पहले ही आ चुके हैं यहां पे, स्नान कर रहे इधर। अभी हम लोग जा रहे हैं उन लोग के साथ स्नान करने के लिए, चलिए चलते हैं। देख सकते हैं कि हम लोग पहुंच चुके हैं गंगा नदी के साथ, हमारे गांव के लोग भी यहां पे स्नान कर रहे हैं। अब हम लोग भी जाएंगे गांव वाले के साथ स्नान करने के लिए। इधर हमारे गांव वाले हैं और ये नए नए यूट्यूबर बने हैं। ये मेरे गांव के सभी लोग नहा रहे हैं यहाँ पे। ए चंदन भैया, देखिए आपके यूट्यूबर साहब गए नहाने। अरे बच्चा भाई, दुर्गा मैया के जय, जय मैया के जय। सो गाइस हम लोग गंगा जी में स्नान कर लिए हैं, कलश में पानी लेकर हम लोग मंदिर में जाएंगे पूजा के लिए। ये रहा कलश जिसमें पानी हम लोग ने रख लिया है गंगा जल।
चलिए अब हम लोग चलते हैं घर के मंदिर के पास। जल हम सिरजा में ले लिया है। सभी लोग चले गए आगे पानी लेकर, अब हम लोग जा रहे हैं पीछे से, बाइक से जाएंगे हम लोग। बाकी सभी लोग आगे जा चुके हैं और हम लोग पीछे से बाइक से जा रहे हैं। रास्ता बहुत ही ख़राब हो चुका है, आप लोग देख सकते हो, बहुत ही आने जाने में दिक्कत होता है। यह है मेरे गांव के कुछ लड़के लोग, प्रेम से बोलो। कुछ लोग आगे आ चुके हैं, पैदल यात्री लोग। यह है सिरजन, माथे पे कलश लिए हुए। एम की वर्दी चहर जाई, कलसा ढोता एम की। गाइज, अंकित का बहुत मन था कि कलसा अपने माथे पे लेकर मंदिर तक जाए गंगा जी के पास से, पर सृजन नहीं दिया। ऐसा बोलता है लोग कि जो गंगा जी से माथे पे, गंगा जी के पास से माथे पे कलसा लेकर सीधा मंदिर तक जाएगा, उसको सरकारी नौकरी लगता है। इसी कारण वह लोभ में नहीं दिया है, अकेले वो ले जाएगा। बेचारा आया था बनारस से ढोने के लिए, बेचारा देखिए मुँह फुलाया है। बेकार है भैया, मैं तो टूट गया मैं तो। अब बेचारा उदास हो गया है, नहीं दिया है सृजन, जलता है हम लोग से। अब नहीं दिया तो क्या करें, हम लोग जा रहे हैं अब डायरेक्ट मंदिर के पास, वो आएगा पीछे से। आगे आयुष जा रहा है अपने पापा के साथ बाइक पे, ये भी ब्लॉगर है, ब्लॉग बनाता है, मेरे गांव का ही लड़का है। अब हम लोग जाएंगे मंदिर पे। फाइनली हम लोग अपने मंदिर के पास पहुंच चुके हैं, ये रहा मंदिर, चलिए अंदर का। A few moments later. अभी हम लोग आए हैं जौ उगाने के लिए, मिट्टी लाने के लिए। देखिए यहाँ पे से हम लोग मिट्टी ले जाएंगे कलश के नीचे, जो जौ उगाया जाता है उसी के लिए। मिट्टी को भर लिए हैं, अब इसको लेकर चलेंगे हम लोग मंदिर के पास, फिर वहाँ पे जौ चुनना होगा। चलिए चलते हैं मंदिर पे। मिट्टी को मंदिर पे लाने के बाद मिट्टी को हम लोगों ने साफ किया, उसमें जितना भी कंकर पत्थर था उन सबको निकाल कर मिट्टी को अच्छे से साफ किया हम लोगों ने। सो गाइस, अभी हम लोग जौ चुन रहे हैं, इसमें जितना गंदगी है उस सबको हम साफ कर रहे हैं। अभी कुछ ही देर में पूजा स्टार्ट होने वाला है, उसी का तैयारी चल रहा है। पोस्टर लगा रहे हैं, रात के लाइट के लिए जनरेटर आए हैं। अभी मंदिर में कल स्थापना का जो पूजा होने वाला था वो हो चुका है, अब शाम में आरती होगा तो उस टाइम चलेंगे हम आरती में। 7 hours later. अभी कुछ ही देर में शाम का 7 बजने वाला है और 7 बजे से दुर्गा मंदिर में आरती होता है, तो चलिए चलते हैं दुर्गा मंदिर के पास और मैं आज आपको दिखाऊंगा कि हमारे दुर्गा मंदिर में कैसे होता है आरती शाम का। चलिए चलते हैं। Thank you.
पंडित जी का आरती समाप्त होने के बाद गांव के बड़े बुजुर्गों के द्वारा भी आरती गाया गया। आरती खत्म हो चुका है और प्रसाद भी हम लोगों ने खा लिया है और आज का वीडियो भी यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में।